नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बैंड बाजे के साथ एक दूल्हे को शादी करना महंगा पड़ गया। नागपुर के सतरंजीपुरा स्वीपर कॉलोनी के दूल्हे ने अपनी शादी में बैंड बाजा लगाया और 150 से 200 लोगों को आमंत्रित कर दिया, जिसके बाद अब इस दूल्हे पर 50,000 का जुर्माना महानगर पालिका ने ठोक दिया है। वहीं शादी में शामिल सारे बारातियों की कोरोना जांच करने के आदेश महानगर पालिका ने दे दिए है। नागपुर में बढ़ रहा कोरोना, फिर भी जनता का हम नहीं सुधरेंगे वाला रवैया। लगातार बढ़ते मौतों के आंकड़ों के बीच बैंड बारात वाली शादी, शादी में 150 से 200 लोग हुए शामिल। पहले बैंड बाजा बारात, फिर 50,000 का जुर्माना। अब मनपा करेगी सारे बारातियों की कोरोना टेस्ट, फिर एक बार ना बन जाए सतरंजीपुरा हॉटस्पॉट। कैसे रुकेगा कोरोना? देखिए साहब, हम नागपुर वाले हैं, ये कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा? ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, हमें तो अपने मनोरंजन की पड़ी है। शायद यही सोचकर नागपुर में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बीच एक शादी समारोह संपन्न हो रहा था, जहां 150 से 200 बाराती बैंड बाजे के साथ नाचते गाते जा रहे थे। इसी बीच NDS की टीम वहां पहुंची और दूल्हे पर कार्रवाई भी की और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया। बढ़ते कोरोना के कारण राज्य सरकार ने शादी समारोह में 25 लोगों में शादी समारोह करने की अनुमति दी है, लेकिन नागपुर के स्वीपर कॉलोनी सतरंजीपुरा में एक समारोह में नियमों का उल्लंघन हुआ। ये कार्रवाई 5 मई को की गई, जहां अब शादी में शामिल हुए दूल्हा दुल्हन के परिवार और पड़ोसी ऐसे तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्ट मनपा 10 मई को करने वाली है। फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि इस टेस्टिंग में कोई पॉजिटिव ना आए, वरना पहली लहर में जिस तरह सतरंजीपुरा में लोग संक्रमित हुए थे और वो कोरोना का हॉटस्पॉट बना था, वैसे ही एक बार फिर न हो, वही किसी की खुशी किसी अन्य के लिए दुख का कारण न बने। फिलहाल तो जनता ने खुद ही जागरूक नागरिक के तरह बर्ताव करना चाहिए और बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ऐसे समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए जहां संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जनता जल्द ही समझदार बनेगी और संक्रमण को बढ़ने से रोकेगी, वरना अगर बेड के अभाव में किसी की मौत होती है तो प्रशासन पर जनता ने सवाल नहीं करना चाहिए। जनता ने खुद के कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए ताकि नागपुर जल्द ही कोरोना संक्रमण से मुक्त हो जाए और फिर एक बार नागपुर में लगे नियमों को हटाकर जनता अपने कार्य में लग जाए। वहीं आप सभी से यह अनुरोध भी है कि अगर केंद्र सरकार की इच्छा के बाद महानगर पालिका और राज्य सरकार वैक्सीन देने में जब भी समर्थ होगी, तब तुरंत जाकर वैक्सीनेशन करा लीजिए और खतरनाक कोरोना वायरस से खुद को बचा लीजिए। आप देख रहे थे अमित वांद्रे की रिपोर्ट, महाराष्ट्र TV 24 के लिए।